हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, राइट टू इक्वालिटी के ऊपर मेन फोकस करेंगे। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी पेपर वन के अंदर आता है आपका हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी वाले सेक्शन में। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें जैसे ही मैं न्यू लेसन अपलोड करूँ। और फ्रेंड्स, मेरा जो unacademy.com/plus पे न्यू कोर्स आया है, कंप्लीट कोर्स CBSE UGC नेट पेपर वन के लिए, इसको आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं बिकॉज 5th मे इज़ लास्ट डे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवदीप कौर एंड आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर फॉलो जरूर कीजिएगा और मेरे सारे कोर्सेज एनरोल करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं न्यू लेसन वहाँ पर ऐड करूँ। सभी लेसन मेरे वहाँ पर कोर्स फॉर्म में है और जो इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको एक ही जगह पर सभी लेसन वहाँ पर मिल जाएंगी। सो आप अनअकैडमी एक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे क्लिक करोगे आपको प्रॉम्प्ट करेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो सब है, तो इसके अंदर बहुत सारे राइट्स मिले हैं हमें, राइट टू इक्वालिटी। तो आज हम पहले राइट टू इक्वालिटी करेंगे, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए ताकि हमें याद रह जाए इसलिए, और कुछ ट्रिक्स भी साथ साथ डिस्कस करती रहूँगी। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक आते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक आते हैं। जब भी आपका इक्वालिटी से रिलेटेड कोई आर्टिकल क्वेश्चन में बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आप उसके अंदर आप 14 से 18 तक के ऑप्शन को टिक कर सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ आया है और वहाँ पर ऑप्शन में गिवन था 14, 24, 20 समथिंग या 36, ऐसा कुछ, अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ऑप्शन में ऐसा कुछ गिवन था, तो आपको पता है कि इक्वालिटी के जो राइट्स हैं वो आपके आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक ही हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आपने बिना, अगर आपको एग्जैक्टली याद भी नहीं है तो आइडिया लगाकर ऐसे टिक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके के ट्रिक्स भी आपकी चलती हैं। एंड देन आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है कि यहाँ पर आपको हक है, इक्वालिटी है, लॉ के सामने इक्वालिटी का हक है, मींस सभी लोगों को इक्वल ही दर्जा यहाँ पर दिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है लॉ के सामने। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, सबसे पहले तो लॉ के सामने इक्वल प्रोटेक्शन सबको दे दी, एंड देन यहाँ पर उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप आया, उसके बाद आया कि अब इक्वल प्रोटेक्शन दी है तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी का नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा किसी भी ग्राउंड पे, रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के, मेल है फीमेल है या प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी ग्राउंड में से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी का नहीं हो सकता। देन अब स्टेप बाय स्टेप कैसे चले हम, पहले हमें पता चला कि लॉ के सामने सबकी इक्वालिटी है, एंड उसके बाद हमने ये निकाला, उसका मीनिंग निकाला कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि मतलब हर एक को एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल हक है, एम्प्लॉयमेंट अगर लेने जाएगा तो इक्वली हक है कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बेसिस पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 16 के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है होता है, वो किस बेसिस पे, OBC, SC, ST, इन सब बेसिस पे। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है, यहाँ पे है कि इनके लिए अलग अलग कोटास डिसाइड किए गए हैं। सो ये है यहाँ पर। देन आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया, यानी कि छुआछूत अब नहीं होगा। सो अनटचेबिलिटी का जब अंत कर दिया गया है तो इट मींस यहाँ पे क्या कहा गया है कि सभी साथ साथ रहेंगे। जब सभी साथ साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, जब सभी एक साथ रहेंगे तो यानी कि 17 आ जाता है अनटचेबिलिटी को एंड करने का। ठीक है, एक साथ रहेंगे। एंड देन आर्टिकल नंबर 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि अब किसी को भी टाइटल्स उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी। और जैसे कि अगर दी भी जाती हैं, आपको पता होगा कि पद्म भूषण दिया जाता है या दूसरे अवार्ड्स दिए जाते हैं, यस दिए जाते हैं, ये कुछ इसके अंदर है डिफरेंसेस हैं, उपाधियाँ दी जाती हैं डॉक्टर या इस तरीके से, लेकिन अब यहाँ पर पर्सन उसके नाम के आगे ये सब लगा के नहीं घूम सकता, अपने टाइटल के आगे ये सब लगा के नहीं घूमेगा और उसका कोई गलत यूज़ भी नहीं करेगा। ये है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हाउ एवर एग्जाम्प्टेड। अब इसके अंदर कौन सी वाली एग्जाम्प्ट की गई है, देखो टाइटल मैंने कहा था उपाधियाँ नहीं देनी, लेकिन जब ये सब दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी स्पेशली दी जाती है, तो उनमें एग्जाम्प्ट कौन सी है,
मिलिट्री वाली और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, जैसे कि किसी को पीएचडी के लिए नाम के आगे डॉक्टर लग गया है तो वो एग्जाम्ड है, वो आपको दी जा सकती है, लेकिन उसको वो अपने नाम के आगे ऐसे यूज़ करके उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा कि यस मैं तो डॉक्टर हूँ और या फिर मैंने पीएचडी किया हुआ है या फिर मेरे को पद्म भूषण दिया हुआ है तो इसलिए मैं बहुत ही बड़ा स्ट्रांग पर्सन बन गया हूँ, उसका वो गलत यूज़ नहीं करेगा और अपने जो लाइफ में उसको गलत चीज़ों के लिए यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे 14 से 18 तक याद करने का समझ में आया, सबसे पहले तो सबको इक्वल दर्जा दिया जाएगा तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, उसका मतलब निकाला हमने, भेदभाव निकाल लिया मतलब नहीं होगा, और फिर इक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमने पहले तो नागरिकता को इक्वल अधिकार मिल गया, अब सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद अनटचेबिलिटी को अंत कर दिया तो इसका मतलब सब एक साथ रहेंगे, जब एक साथ रहेंगे तो आ गया 17, एंड देन उसके बाद एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जम्पशंस है, मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को एग्जम्प्ट रखा गया है, मतलब कि किसी को उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी लेकिन फिर भी मिलिट्री से रिलेटेड जो भी दी जाती हैं वो सब इंडिपेंडेंस डे पे या किसी भी तरीके से दी जाती है वो सब दी जाएंगी, लेकिन उसका कोई अपने नाम के आगे ले लेकर नहीं घूमेगा और उसको गलत यूज़ नहीं करेगा, आर्टिकल नंबर 18 कहता है। देन राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर 22 तक है ये, राइट टू फ्रीडम कहता है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आप बोल सकते हो, बोलने का अधिकार है सबको, आवाज़ उठाने का अधिकार है, तो प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच यहाँ पे ये हो गया 19। फ्रीडम जब मिलेगी तो सबसे पहले एक बच्चा जब न्यू बॉर्न बच्चा होता है ठीक है उससे याद कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में कौन सा आया, तो वो सबसे पहले तो बोलना ही सीखता है ना, बोलता ही है, तो इसीलिए बोलने का अधिकार बचपन से हो गया ठीक है, तो सबसे पहला अधिकार हो गया 19 के अंदर बोलने का अधिकार। देन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराधों के दोष के संबंधित संरक्षण, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर अगर कोई आपको दोषी ठहराता है तो उस केस में अगर एक पर्सन एक बार दोषी ठहराया गया उसकी सज़ा उसको मिल गई तो वो सज़ा यहाँ पे इसका 20.1, 22.2 और 3 ये सब है इसके ठीक है, तो जो मैं सेकंड नंबर वाला पहले बता रही हूँ, तो अगर आपको एक बार सज़ा मिल चुकी है तो उसको दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी, तो इसलिए 20 का सबसेक्शन 2 कहता है कि एक ही सज़ा को बार बार नहीं दिया जा सकता, अगर एक पर्सन ने उसकी सज़ा भुगत ली तो वो भुगत ली ठीक है। एंड देन 1 क्या कहता है, देन ये जो 20 का 1 है, 20 का 1 कहता है कि अगर एक पर्सन को सज़ा दी जाएगी तो उसने जो अपराध किया है उस टाइम पे जो सज़ा सुनाई जा सकती है वो अब तक जितने भी लॉ बन चुके हैं उसी के बेसिस पे सुनाई जा सकती है, उसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया जाएगा। मान लो किसी ने कोई अपराध किया उस टाइम पे जो लॉ बने हुए हैं उसके बेसिस पे अगर वो अपराधी है तो उसको सज़ा उसके बेसिस पे सुनाई जाएगी, ये नहीं है कि आप किसी को दोषी ठहराने के लिए जानबूझ के ज़बरदस्ती कोई लॉ स्पेशल क्रिएट करो, स्पेशल लॉ क्रिएट करना भी यहाँ पर नहीं है ठीक है। यहाँ पे इसलिए ये कहता है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन है अगेंस्ट कोई भी किसी ने इन्फेक्शन ऑफेंस किया है तो उसको कब एक्यूज़ दिखा सकते हो, उसको एक्यूज़ दिखा सकते हो जितने भी उसने अपराध अगर उस टाइम पे किया है और उसके लिए अगर लॉ ऑलरेडी है तब, स्पेशल नया नहीं बनाना। एंड देन 2 का मैंने बता दिया, सो जो फर्स्ट वाला था वो आपका था एक्सपोस्ट फैक्टो, यानी कि दोबारा उसका स्पेशल ही वो नहीं बनेगा, और सेकंड वाला जो है वो था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ जुपार्डी, यानी कि एक पर्सन को एक ही बार उसकी सज़ा मिलेगी बार बार नहीं मिलेगी। देन 20 का सबसेक्शन 3 समझते हैं, देन 23 कहता है सेल्फ इंक्रीमेशन लॉ, इसका मतलब कि अगर एक पर्सन खुद को ही अगर सज़ा दिलाने के लिए बोलता है ठीक है, मतलब कहता है कि मैं अपराधी हूँ मैं अक्यूज्ड हूँ, खुद ही कुछ कहते हैं सरेंडर कर देते हैं, तो उस केस में खुद को सरेंडर करने के लिए भी उसको अपने गवाह या फिर सबूत दिखाने पड़ेंगे कि वो अक्यूज्ड है तो क्यों है। इसका रीज़न ये है कि कई लोग ज़बरदस्ती दूसरों को कह देते हैं कि आप इसका इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लो, तो वो पर्सन अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेता है कि मैं अक्यूज्ड हूँ मैंने ये अपराध किया है। इस चीज़ से बचने के लिए आर्टिकल नंबर 20 सबसेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर आप अपने आप को खुद को भी अगर सज़ा के लिए अपने आप को कन्विक्ट कर रहे हो कि हम एक्यूज्ड हैं या नहीं, तो उस केस में आपको अपने आप के लिए उस एविडेंस को प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए गवाह या फिर प्रॉपर सबूत प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो जो आपने किया है वो जो आपने
गुनाह किया है उसके लिए आप अपराधी हो, वो भी आपको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब हमारे बचाने के लिए ही, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए गए हैं। देन 21 पे आते हैं। अब इसमें से 20 और 21 को हाईलाइट करने का क्या रीज़न था? 20 तो मैंने अभी आपको समझा दिया, लेकिन 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब सबको जीने का हक है। तो ये 21 वाला जो आर्टिकल है ना, कोई भी आपसे किसी भी कीमत पे नहीं छीन सकता, यानी कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो बाकी सारे के सारे राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपसे छीने जा सकते हैं, लेकिन ये दो राइट्स आपसे नहीं छीने जा सकते। लेकिन फिर भी जब इंदिरा गांधी के केस में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उन्होंने लगाई थी, तो उन्होंने राइट टू लाइफ ले लिया था, और वहाँ पर इसके अगेंस्ट बहुत बवाल भी हुआ था, तो इसलिए ये उस केस में ले लिया गया था। लेकिन यहाँ पर वो कैसे ले लिया गया था, जो आपके मैंने रिट्स बताए थे ना, रिट्स के अंदर हबीस कॉर्पस के अंडर उन्होंने हबीस कॉर्पस को ख़त्म कर दिया उस केस में, और उससे अल्टीमेटली प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को भी छीन लिया, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन है उसको कभी भी, मतलब अगर वो लगता है उसको मारना है तो उसको मार सकते थे। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को छीन लिया गया था उस टाइम पे, आर्टिकल नंबर 21। ये ऐसा हमारे देश में एक ही बार हुआ था, लेकिन ये 21 कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं करना, और नेशनल इमरजेंसी में आज की डेट के हिसाब से ये वाले दो कोई भी वापिस नहीं ले सकता, मतलब हमसे ये वाले दो अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दूसरा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसिव। ठीक है, नाउ आर्टिकल नंबर 21 इसमें ऐड किया गया अमेंडमेंट नंबर 86 के तहत। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, इसको करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्पीच वाली बात है यहाँ पर, इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ जो 86 अमेंडमेंट के थ्रू, जो 86 अमेंडमेंट थी कौन सी वाली, किसके अंदर, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2002 के अंदर, उसके अंदर राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया। राइट टू एजुकेशन ऐड करने का मतलब कि 6 साल से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को पढ़ाई का अधिकार है, इनसे ये पढ़ाई का अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता, इनको स्कूल या स्कूल वगैरह में पढ़ाई ज़रूर करवानी पड़ेगी, इनके पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन का यहाँ पर निकाला गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, कोई भी आपको बिना किसी वजह के अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के लिए है, आर्टिकल नंबर 22। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है इन सभी से रिलेटेड, कि ये जो आर्टिकल नंबर 21 है इससे रिलेटेड, अगर आपने देखा होगा कि दिल्ली से फैक्ट्रीज वगैरह बाहर कर दी गई, कारें कुछ टाइप की बंद कर दी गई, कार्स वगैरह, ये किस लिए, कि जो पॉल्यूशन हो रहा था, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा था, लोगों की लाइफ पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो सबको जीने का अधिकार है, पोल्यूशन की वजह से लोगों की डेथ हो रही थी या फिर डेथ के चांसेस बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सब लाइफ को ख़तरा ना हो, तो इस आर्टिकल के तहत उन कार्स को और फैक्ट्रीज को बाहर निकाला गया। ठीक है, देन इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपको कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, हम सब एक बड़ी हैं, इसलिए हमें ज़बरदस्ती कोई किसी काम में नहीं लेकर आ सकता, दुर्व्यवहार या बाल श्रम भी नहीं करवा सकता। ठीक है, और मतलब कि जो ट्रैफिकिंग होती है, जो हमारी ह्यूमन की देह है उसको कोई बेच नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा बॉडी को कोई ज़बरदस्ती बेच नहीं सकता, या फिर कोई फोर्सफुली हमसे कोई लेबर वर्क नहीं करवा सकता। ये है आर्टिकल नंबर 23 में। आर्टिकल नंबर 24 में है कि जो बच्चे हैं, चाइल्ड के लिए है ये, अब ये तो बड़ों की बात हो गई, बड़ों के बाद बच्चे भी आएंगे, इसलिए जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज वगैरह में एम्प्लॉयमेंट का भी प्रोहिबिशन कर दिया, कि बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को फैक्ट्रीज वगैरह में भी काम में नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो ज़बरदस्ती हो चाहे वो उनकी मर्जी से हो, क्योंकि उनको बचपना जीने का हक है। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर 23 से लेकर 24 आता है। तो हमने आज तीन तरीके के फंडामेंटल राइट समझ लिए। थैंक यू सो मच, आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप मुझे फेसबुक ग्रुप पे, फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने खुद के फ्रेंड सर्कल में तो शेयर कर ही सकते हैं, है ना। और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाना, तो बेल आइकन को नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन के लिए इसको दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।